तो इसी प्रकार से जो व्यापक ब्रह्म है वो जिसको अनुभव कराया जाए वो समझ जाएगा। अगर आपको मैं कभी ध्यान में बैठा दूं और मैं संकल्प करूं और इस जगत से कुछ दूसरे जगत में ले जाऊं तो आपको अलग अनुभव होगा। आप ध्यान करें तो आप जो हैं एक विद्यार्थी जीवन बिता रहे हैं और थोड़े समय के बाद जो है आप कोई ऑफिसर बन जाएंगे, क्लर्क बन जाएंगे, कलेक्टर से मामलेदार हुए, डिप्टी मामलेदार बने, तहसीलदार बने, डिप्टी कलेक्टर बने, कलेक्टर बने। एक ही व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगता है। व्यक्ति वही है लेकिन कुर्सी और सत्ता के कारण वो अपने स्वरूप को बदलते जाता है और मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ। आगे जा करके फिर बड़ी सत्ता पर पहुँचेगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, फिर रिटायर हो जाता है और फिर जाकर बोला जाए तो कुछ नहीं है, पहले जैसा रहा वैसा ही है। ये बीच में इतना स्वरूप बदला हो तो आप जो हैं वो जो आप हैं उसमें कुछ फेरफार नहीं होने को है। ब्रह्म तत्व कभी नहीं बदलता है, ये तो आपका नाटक हो लीला है। आपने इच्छा किया, ममता रखा तो इतना स्वरूप आपका बना, लेकिन मूल में आपका स्वरूप कोई है नहीं। तो व्यापक चैतन्य तत्व ब्रह्म तत्व जो है वो अखंड व्याप्त है, लेकिन इस तरह से व्याप्त है कि सारे शरीर में अंग अंग में अणु अणु में है फिर भी दिखता नहीं है। अब वो जब एक हवा के रूप में निकल जाएगा तो आपका चेतन शरीर जड़ हो जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा, वो है हर जगह। तो शास्त्र और ये बोलता है कि ये सब अनुभूति जो है ये ध्यान से होती है। जीव भाव मिटेगा, आत्मभाव में जाएंगे, उसके बाद ब्रह्मोस्मी, मतलब इस सारा ब्रह्मांड जो है आकाश जहाँ है वहाँ तक मैं पथराया हुआ हूँ, मैं खुद आकाश ही हूँ, मैं शून्य हूँ, हर जगह हूँ। ये भावना आप करेंगे तो आप इस जगत में रहते हुए भी हर जगह हैं। जिस प्रकार से भगवान राम कौशल्या के पास रहे, भगवान कृष्ण यशोदा मैया के पास रहे, और जब माता जी ने बोला कि तुम मुँह दिखाओ कि मिट्टी खाया है कि नहीं, तो मुख में सारा ब्रह्मांड बताया भगवान के मुख में। तो भगवान बोलते हैं कि मैं इस शरीर में हूँ लेकिन इस शरीर में रह कर भी हर जगह व्याप्त हूँ, हर जगह हूँ। एक मिनिस्टर, एक कलेक्टर एक जिला में है लेकिन वहाँ बैठा, लेकिन सारे जिला में वो है, उसकी शक्ति न सत्ता हर जगह है। ये एरिया हमारी है, हमारा राज्य है, मैं हूँ, मतलब वो व्यक्ति वहाँ है लेकिन उसकी सत्ता उसकी शक्ति वहाँ तक व्याप्त है, दिखाई नहीं पड़ती है। तो भगवान जो है बोले कि मैं शरीर में रह करके भी हर जगह हूँ। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष, ध्यानी पुरुष ध्यान में बैठते हैं तो वो मैं अणु अणु में अखंड व्याप्त हूँ, जहाँ आकाश है वहाँ चंद्र सूर्य सब में मैं ही हूँ, हर जगह मैं हूँ। इस भाव से ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है कि इनकी मूलाधार में सुषुप्त जो जीव भाव है वो मिट जाता है, शक्ति ऊर्जा की जागृति होती है और धीरे धीरे क्रम से इस अवस्था में पहुँचते हैं। तो ध्यान अवस्था में आने के बाद बरसों तक बैठे रहते हैं तो हर जगह वो दिखते हैं। तो जब इनका दृढ़ ही संकल्प होगा, साधना सिद्ध होने लगता है तो दूसरों को अनुभव भी होता है कि आप यहाँ बैठे हैं लेकिन हर जगह दिख रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं सबके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं, जो जहाँ नेत्र बंद करता है आपको याद ही करता है, आप वहीं हाजिर रहते हैं। क्यों? कि आप चैतन्य स्वरूप हो गए हैं, आप ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, आप परमात्मा मैं हो गए हैं, फिर भी ये स्थूल लेकर आप लीला नाटक कर रहे हैं। भगवान राम कृष्ण ऐसे ही किए ना, कि स्थूल लेकर के लीला किया है लेकिन जहाँ देखो वहीं हाजिर रहते रहे, हर जगह वो रहते रहे। तो परमात्मा हर जगह अखंड है वो, लेकिन ज्यों ज्यों आपकी स्थिति ऊंची उठती जाएगी और आपकी साधना आगे बढ़ती जाएगी तो आप बदलते जाएंगे, मतलब जीव भाव जो कुछ इंद्रियजन्य तत्व में कुछ है वो सब निकलते जाते हैं, फिर आप एको हम द्वितीयो नास्ति एको हम बहुश्यामी ऐसा आप हो जाते हैं। ये जीव का सहज स्वरूप ही है आनंद, परमानंद स्वरूप है इसका, सहज में दुख सुख है ही नहीं है,
ये तो इसने स्वीकार लिया है और भ्रांति रूप है, ये ममता है, मोह है, आसक्ति है, इसके कारण जो है ये दुख सुख भोगता है। लेकिन अखंड अगर अपनी मस्ती में रहे तो उसको कुछ दुख सुख होता ही नहीं है। तो शास्त्र बोलता है कि परम पद लेना हो, मुक्ति लेनी हो, ईश्वर में बनना हो तो आप भजन भक्ति साधना करें, लेकिन ज्ञानावस्था में रह करके भक्ति करें। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मंदिर में मस्जिद में भगवान के पास मत जाइए, मूर्ति न पूजिए, पूजिए, लेकिन एक दिन ऐठा आएगा कि सब छूट जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि अब मेरे से कभी कभी पूजन नहीं होता है, मूर्ति पड़ी रहती है ना, फूल भी नहीं चढ़ाता हूँ, आरती भी नहीं करता हूँ। तो मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन ये गुरु कृपा देख रहा हूँ। जब मैं बैठता हूँ वहाँ जा करके तो देखता हूँ कि वो पत्थर के शिवलिंग है और मूर्ति चांदी की बनी हुई है, पंचपात्र है। तो जब बैठता हूँ तो स्थिति बदल जाती है, तो सोहम ब्रह्मोस्मि की स्थिति आती है। वहाँ बैठे बैठे देख रहा हूँ और सभान भी होता हूँ तो आचमनी में भी वही दिख रहे हैं, पानी में भी वही दिखते हैं, मेरे हाथ में मेरे अंदर भी वही दिखते हैं, मूर्ति में भी वही दिखते हैं। और देखता हूँ तो हर जगह वही 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 दिखता है, तो फिर आचमनी छूट जाती है। किससे किसका पूजन करें, किसको किस पर चढ़ावें, किससे किसकी आरती करें, बाट में, घी में, अग्नि में, आरती में, हर जगह वही है। तो फिर भजन छूट जाता है, फिर स्थिति आ जाती, बैठ जाते हैं, फिर जगे तो जो हमारे पास में रहने वाले हैं वो उनके कहने से आपको अपने को असर नहीं होता है, लेकिन उन पर कृपा और दया करके उनका संस्कार ठीक रहे इसके लिए हम फिर पूजन करते हैं। ऐसा लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, और बापू अब छोड़ दिए, नास्तिक हो गए हैं, अब आचार विचार नहीं रखते हैं, उसको ऐसा ना समझ में आ जाए, क्योंकि उसको स्थिति का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो मूर्ति पूजन आरतन सब छोड़ देगा। वो तो उसका संस्कार अच्छा बने, यद ददा चरते श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना। आचार्य लोग, बड़े लोग, पूज लोग जो करते हैं वो इसी नीचे के लोग आचरण करते हैं, इसलिए अपना आचरण अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारा अनुकरण लोग करके और ठीक से जिए और रहें। इसलिए अपने को आचार विचार ठीक रखना चाहिए। इसलिए जो ब्रह्म स्वरूप हैं, जो हर जगह भगवान को देखते हैं, अपने स्थिति में रहते हैं, वो लोग भी कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सबसे मिलते हैं, जिससे कि ये संस्कार सब में आवे और सब लोग को ज्ञान हो कि ऐसे ही रहना चाहिए। ये होने के बाद उनके अंदर वो स्थिति आएगी तो वो भी बदल जाएंगे। लेकिन हम ब्रह्म हो गए ये मान करके हमारी स्थिति बदल गई, हम वही हैं, इसे मान करके शुभ कर्म छोड़ा नहीं जाता है, सत्कर्म शुभ कर्म तो होता ही रहता है, अपनी स्थिति भी रहती है, और इंद्रियां इंद्रियों में, कर्म कर्मों में, तत्व तत्वों में, गुण गुणों में बरत रहे हैं, कर्म भी हो रहा है लेकिन निष्काम, साक्षी और दृष्टा भाव करने के लिए किए जा रहे हैं, कुछ अपेक्षा नहीं है, कुछ कामना नहीं है, ममता मोह नहीं है, किए जा रहे हैं लेकिन अच्छा करते हैं। इसलिए पीछे के लोग भी ये अनुकरण करके और अच्छे मार्ग में चले, इसके लिए सत्कर्म करना चाहिए। अगर आप चले जा रहे हैं और कहीं मंदिर में नहीं गए तो कोई अर्जा नहीं, क्योंकि आपके दिल में वो परमात्मा बसा हुआ है, आपने मानसिक नमस्कार कर लिया है, वहां न जा तो हर जाने, लेकिन साथ में दो चार आदमी हो तो जाना चाहिए। आप अकेले हो तो मत जाओ, साथ में हो तो जाना चाहिए। क्यों? वो लोग सोचेंगे कि इनको कुछ भगवान में पड़ी नहीं है, ये परमात्मा को मानते ही नहीं है, ऐसी उनकी गलत मान्यता न हो जाए इसके लिए जाना चाहिए। नहीं तो आप ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि जो परमात्मा उस मंदिर में है वो मेरे हृदय में बैठा है, इसलिए मैं मस्ती में हूँ, उसका दर्शन यहीं से कर रहा हूँ। जैसे रैदास ने एक मोची ज्ञाति का आदमी जो जूता सी रहा है, गुरुदेव ने बोला कि
कि तू ऐसा कर रैदास, तुम हर जगह भगवान को देखा कर, जय श्री राम करा कर और अनुमन में उसके दृष्टि से निहार, भावना रख। तो वह भावना किया कि हर जगह वही है, मैं भी वही हूँ, जल में थल में सब जगह वही है, लेकिन मैं जहाँ जन्मा हूँ उसके अनुसार मैं कर्म किए जा रहा हूँ। तो जूता सीते जा रहे हैं ना, नाम जपते जा रहे हैं। तो एक महाराज कोई हैं और जब जा रहे हैं तो उनको एक पड़ीकी दिया कि बहुत दिन से दर्शन कर रहे हैं। बोला महाराज गंगा मैया को चढ़ा देना, बोला रैदास ने भेजा है, लेकिन माँ जब हाथ से ले तो ही देना, फेंक मत देना। ये गए और गंगा जी में जाकर आवाहन किया कि माँ ये रैदास ने भेजा है। तो ऐसा हाथ निकाला माँ ने, लाल लाल कोमल हाथ, कंगन पहने हुए, और माँ ने पड़ीकी लिया और ऐसे निकाल करके अपना कंगन पंडित जी को दिया कि रैदास को दे देना। तो महाराज ने ले लिया हीरा सोना जड़ा हुआ कंगन, सोचे कि रैदास को बोल दूंगा कि हाँ माता जी को दे दिया, कंगन तो नहीं दूंगा, वो घर ले जा रहा हूं। और कंगन घर ले गए, अपनी पत्नी को दिए, तो कथा सुनाए कि रैदास जो है ना वो बोला और माता जी ने दे दिया, हम इतने वर्ष से जाते हैं तो नहीं मिला। तो बोले कि ले आए तो हैं लेकिन दूसरा भी तो लाओ, एक हाथ में कंगन पहने दूसरा हाथ कैसा लगे, इसकी जोड़ी तो होनी चाहिए। तो पंडित जी बारंबार कोशिश किए पर माता जी ने दिया नहीं। तो रैदास को पूछा कि कैसे है रैदास, अब पड़की नहीं देनी है कि गंगा मैया को दे दूँ, लेकिन नहीं फिर कभी दूंगा, अभी तो नहीं है। उसको खबर पड़ गई कि महाराज को कुछ मिला है लेकिन हमको बता नहीं रहे। तो बहुत समय हो गया, तो रैदास ने अपना जो जूता सीने का थाम रहा पात्र उसको धो डाला, बोले महाराज ले आओ गंगा जल, डाला उसमें धोया, फिर इसमें डाल दो। गंगा जी भर दिया, हाथ जोड़ा, तो माता जी ने उसमें से दूसरा कंगन निकाल कर दिया। तो बोले महाराज ले जाओ, आपकी जोड़ी लग गई। बोला कि ये क्या चमत्कार है ये, कहे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन अगर शुद्ध है पवित्र है तो हर जगह परमात्मा है, हर जगह नारायण है। आप भी आप कुदरती हाजत में जा आते हैं लेकिन भूंड और सुआ रहता है सूखा जाता है, उसको गंदगी नहीं लगती है। कोई जानवर मर गया था आप फेंक देते हैं, लेकिन गिद्ध और जानवर उसको प्रेम से खाते हैं, जैसे आप मालपुआ श्रीखंड खाते हैं ऐसे ही मरे जानवर को लोग खाते हैं, उनकी स्थिति ऐसी है। उसके अंदर भी भगवान तो है, चेतन तो है, लेकिन इस स्थिति पर रखा है उससे वो काम करा रहा है। तो सृष्टि की व्यवस्था है या हर जगह वही है। तो शास्त्र ये बोलता है कि आप इस जगत में रहो, व्यवहारिक जगत में सब कुछ करो, कुछ ना मत बोलो, जहां जो बोलता वो करो, लेकिन नाटक के रूप में करने के लिए करते जाओ, लेकिन मन मन जो है चित्त जो है अपनी स्थिति अपने स्वरूप में रखो, तो आपको कुछ नरता नहीं है, कुछ व्यवधान नहीं आएगा। कहीं भी आप रहो, जैसे भी रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जड़ भरत को जब डाकुओं ने पकड़ा और बोले कि इसका बलिदान देंगे तो माँ खुश हो जाएगी तो अपना काम ठीक होगा, जब ले गए तो उसको बोले कि तुम स्नान कर लो, ए मसराम स्नान कर लो, एक भले स्नान करा दिया, लेकिन अपनी स्थिति में रहते रहे पागल जैसे, मस्ती में डूबे रहते रहे। तेरे को चंदन लगा रहे हैं तो भी स्वीकार है, लगा दिया। कपड़ा पहना रहे हैं, पहना दिया। बोले यहाँ माता जी के पास बैठ जाओ, बैठ गया। 56 प्रकार का जो कुछ रहा अच्छा अच्छा भोग धराया, अब तुम ये खा ले, तेरे हम बलि चढ़ाने वाले हैं। तो हंसा, कोई हर्जा नहीं। उसके बाद बोले खा लो, तो उसने प्रेम से खाया। जो आदमी को मरना हो वो खावे, लड्डू मिठाई जो कुछ दिया सब प्रेम से खा लिया मस्तराम ने, और स्थिति में बैठे हैं। आज जब डाकुओं ने बोला कि हम तेरा बलि चढ़ा रहे हैं, कुछ चाहिए तेरे को, ये कुछ नहीं, तो अब तेरी बलि चढ़ाना। जब खंजर लिया तो माता जी ने पकड़ लिया और डाकू का वध कर दिया, और उसको लेकर गोदी से लगाया कि मेरा स्वरूप है, मैं खुदे खुद को कैसे मार सकती हूँ, ये मेरा स्वरूप है, ये चैतन्य स्वरूप है। तो
तो डाकुओं का वध किया, मतलब अज्ञान जो है उसका वध मां करती है, ज्ञान का नहीं। जहां भ्रम है, भ्रांति है, मेरा है, तेरा है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, उसका वध मां करती है, और उसमें से उन लोगों को मां ने उसका दर्शन दिया। तो कहने का मतलब है कि जो अखंड स्थिति है भोला भाई, उस स्थिति में आप रहो, तो चाहे आप अमेरिका बैठे हों कि लंदन बैठे हों, इंडिया में हो कि कहीं भी हों, श्वासों श्वास में ब्रह्मोस्मि स्वम चल रहा है, हर जगह वही चैतन्य है, बात पूरी हो गई। लेकिन अगर आप किसी साकार स्वरूप को मानते हैं तो भी हर्जा नहीं है, भजो। लेकिन साकार स्वरूप ये न मान लो कि वो मात्र वृंदावन में ही है कि अयोध्या में ही है, कि वो मंदिर में ही है कि यही है, वो हर जगह है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, जो हर जगह है, सबको प्रकाशित कर रहा है, वो परमात्मा है, वो कहाँ नहीं है। अर्जुन को गीता में भगवान ने विराट स्वरूप बताया, अणु अणु में अपना स्वरूप बता दिया कि देख ले मैं कहाँ नहीं हूं। ऐसे ही राम ने भी काकभुसुंड को अणु अणु में अखंड ब्रह्मांड में बताया। इसका मतलब क्या, हम रामायण और भागवत पढ़ते हैं तो समझना तो सीखें, समझने की तो कोशिश करें कि वो परमात्मा अखंड व्याप्त है, हर जगह है। तो ज्ञानी पुरुष लो, तत्वज्ञानी लो, उच्च कक्षा के भक्त लोग भगवान को हृदय में बैठा करके मानस पूजन करते हैं। मानस पूजन की बड़ी महत्ता है। मानस पूजन करने से बाह्य पूजन की जरूरत नहीं रहती है, और मानस पूजन से भगवान जल्दी खुश होता है, क्योंकि आपका दिल प्रफुल्लित हो जाता है, खुश खुश हो जाता है। मानस पूजन में कोई अभाव नहीं रहता है, क्योंकि आज हीरा माणिक का बाजोट बिछा रहे हैं, उस पर गजब गजब का स्वर्ण जटित कपड़ा बिछा रहे हैं, हीरे सोने चांदी पात्र में आप भोग धरा रहे हैं, कितने कस्तूरी ने, कितने प्रकार के चंदन, क्योंकि भावना से ही जब पूजन करनी है तो आप कल्पना से सब करते जाइए, और भगवान को भोग धरा रहे हैं, आप मस्ती में बैठे हैं, तो इतने समय आपका मन भगवान में गया। जो भागता है वो मन को आपने काम में लगा दिया कि भगवान का पूजन कर। आ कभी कभी देवम भूत्वा देवम जजेत, जीवात्मा बोलता है कि मैं खुद ही रामोहम कृष्णोहम दत्तोहम शिवोहम, मैं वही बन जाऊं, तो अपने मन को आप अपने श्रृंगार में लगा देते हैं कि मेरा श्रृंगार कर दे, मेरे को भस्मी लगा, रुद्राक्ष पहना, जटा बदा, चंद्रमा लगा, मतलब जात जाते हुए श्रृंगार करके और मुझे शिव बन जाना है। तो अपने को शिव बनते देख करके मन में प्रसन्नता होती है, तो बहुत देर तक आप शिव बने बैठे हैं, आपका मन आपके काम में लगा दिया, और घंटों तक आपका मन शिवमय है, आप वो रूप बन गए और प्रणों के प्रकाश के बीच में बैठे हैं, खुद खुद को देख करके आप मस्त हो रहे हैं, इतने घंटे आप शिवमय हैं। ये करते करते फिर होगा क्या कि आपका जीव भाव मिट जाएगा और ब्रह्म भाव परिपक्व हो जाएगा। ये मानस पूजन का महत्व है। इसी प्रकार से लोग ध्यान में भी ऐसे ही करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो कोई कोई लोग साकार उपासक हैं तो अपने को साकार ब्रह्ममय बना देते हैं, और कोई निराकार के उपासक हैं तो ज्योति से आगे जाकर के शून्य में, परमानंद में, परम शांति में अपने को विलीन करते हैं। अब वहां जाने बैठ गए तो खबर नहीं पड़ा बैठे, फिर उठते हैं। लेकिन इससे ऊंची अवस्था जो है सहज अवस्था है, ये सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, जड़ और चेतन से सबसे ऊंची अवस्था सहज अवस्था है। सहज अवस्था में गया हुआ व्यक्ति, उसको कुछ आंख बंद करे कि न करे, कहीं भी रहे, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, घर में हो, जंगल में हो, बाहर हो, रोड पर बैठा हो कि कूड़ा कचरे पर बैठा हो, तो भी अपने मस्ती में है। वो नहावे कि न नहावे, कुछ भी करे, कैसी भी स्थिति में रहे, उसको कोई बाध नहीं होता है। वो एक अखंड अवधूत की अवस्था है, मस्ती अवस्था है, उसमें परम शांति है। वो स्थिति ऐसी है कि अखंड रहती है, अपने स्वरूप का अखंड ज्ञान रहता है।
कभी कभी तो हम भूल जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो शंकर बनते हैं, जगत में आकर मानव बनकर काम करते हैं। लेकिन सहज अवस्था ऐसी अवस्था है कि 24 घंटे उस स्वरूप का ज्ञान कराती है। व्यवहारिक जगत में आप सब कुछ करेंगे लेकिन अंदर में वो अखंड जागृति रखाती है। आयो सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा आदीप शिखा सोई परम प्रचंडा। अगर जीव का अखंड ज्ञान हो जाए, सोहम तैल धारावत अखंड ज्ञान रहे, तो जीवात्मा नहीं हो परमात्मा बन जाता है। ये अखंड तैल धारावत ज्ञान रहता नहीं है, इसीलिए हम जीव भाव में रहते हैं। तो आप लोग संसार में हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, माताएं बहनें घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, खाना बनाती हैं और घर का काम करती हैं, तो उनको लगता है कि हम कैसे भक्ति करें, हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा कैसे उतरे, हम कैसे इस भव बंधन से पार जाएं, हमारा कल्याण कैसे होगा। हम भागवत नहीं सुनते हैं, हम रामायण नहीं सुनने जाती हैं, हम तीर्थ यात्रा नहीं जा पाती हैं, जग आदि नहीं कर पाती हैं, तो हमारा जीवन क्या व्यर्थ गया, हम क्या करें, हमारा कल्याण कैसे हो। इस प्रकार से संसार में रहने वाले कुछ ऐसा वर्ग है जिसको समय का अभाव है, वो अपने को ग्लानि महसूस करता है। इसमें भी कोई कोई कारीगर वर्ग हैं, कोई नौकर चाकर हैं, जो परिस्थिति बस किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, माप में उनको पैसा मिल रहा है, मान मान अपना गुजारा चला रहे हैं, वो कभी कभी सोचते हैं कि हमसे और भगवान से तो बहुत दूरी है, अपना ये जीवन तो ऐसे ही चला गया, अपना तो कल्याण होने को नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है हम यात्रा कैसे जाएं, पैसा नहीं है तो हम यज्ञ कैसे करें, हम कथा वार्ता कैसे करें, और कहीं समय निकाल कर हम कथा में भी कैसे जाएं, क्यों कि हमको तो समय नहीं है, हम नौकरी कर रहे हैं, मालिक छुट्टा कर देगा, पनिशमेंट देगा। कुछ गरीब वर्ग कारीगर वर्ग ऐसा विचार करते हैं, उनके अंदर भी ज्ञान है, भगवान के तरफ खिंचान है, आकर्षण है, लेकिन परिस्थिति बस वो नहीं जा पाते हैं। माताएं बहनें परिस्थिति बस घर में बैठी हैं और कभी कभी विचार किया करती हैं, कभी किसी अपने बहन पणिन और अपने मित्र से कथा वार्ता को सुन लिया तो उनको मन में होता है कि हम रह गए, हमारा कैसे होगा। इस विषय में संत और शास्त्र बोलते हैं कि भाई तुम्हारा भी कल्याण होगा। तुकाराम जी, जलाराम जी, नरसिंह मेहता, मीराबाई, शेवरी बाई, इसकी सिवा और भी बहुत से परिवार में ऐसे लोग अभी भी हो चुके हैं जिनको घर बैठे भगवान की कृपा उतरी है और घर बैठे उनको परम शांति मिली है और घर बैठे उनको लगा है कि हमको सब कुछ मिला, कुछ अभाव नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा ज्ञान और थोड़ी समझ की जरूरत है। मैं अब आप लोगों के समक्ष ये बोलना चाहता हूं कि आप घर में, संसार में, नौकरी में, धंधा में, व्यवसाय में, अपने गृह प्रपंच में फंसे हुए हैं, इसमें रहकर भी भक्ति कैसे करनी, ये मैं बताना चाहता हूं। अब ये जो मैं बताऊंगा बांच करके पढ़ करके नहीं बता रहा हूं, अच्छे महापुरुषों से सुना हूं, मैं खुद मैंने अनुभव किया है तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हालत से निकलकर भजन किया और जब आकर के जो जो महापुरुषों ने बताया भजन साधन किया तो सदगुरु मिले, और सदगुरु के मिलने के बाद वो आदेश दे रहे हैं कि ऋषि जीवन जीना है, संसार में रह कर ही भजन करना है। तो हमारे योग माया जो है, जिसको आप लोग अपनी भाषा में धर्म पत्नी बोलते हैं, हमारी ऋषि पत्नी है, वो योग माया है, वो मेरे साथ है, और साथ में रह कर हमारी भक्ति चल रही है, हम दूसरे को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं और सतत अखंड मस्ती रहती है और कुछ अभाव नहीं खटकता है, कुछ भी परम शांति है। अब कुछ पाने जैसा है ऐसा अंदर लगता नहीं है, इतना अंदर
संतोष है, ये सदगुरु कृपा है। आज अब इसी कृपा होती है तो आप कहीं भी रहें, आप मस्ती में रहें, आपका कल्याण हो जाएगा। तो कल जो है ये विषय में आप लोगों को सुनाऊंगा कि आप इस जगत के बीच में रह करके और किस प्रकार से आपको संतोष हो और अभाव निकल जाए और घर में अपने घर को, मकान को, परिवार को तीर्थ धाम बना दें, सभा मंडप बना दें और उसको ही सुंदर मंगलमय बनाकर प्रभु को वहीं बुला लें, हर समय आपके साथ भगवान दिखे, आनंद रहे। इसके विषय में कल अनुभव गम्य कुछ बातें बताऊंगा, आप लोग करेंगे तो इससे आपको अनुभूतियां भी होंगी और अभाव चला जाएगा। भगवान जो है उसके लिए यज्ञ करना कि होम करना कि तीर्थ यात्रा जाना जरूरी नहीं है, उसके लिए निर्मल मन चाहिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, आ निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो और हमेशा मेरी पुकार में मस्त, उसको मैं मिलता हूं, किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है, धूप दीप घी प्रसाद पेड़ा मिष्ठान यज्ञ कुछ नहीं दो, हमको प्रेम से पुकारो, तेरा दिल निर्मल हो जाए, मजा हुआ हो जाए, शुद्ध हो जाए, मैं तेरे साथ में हूं, ऐसा परमात्मा बोलता है। तो इस विषय पर कल मैं बात करूंगा। हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। हरिओम तत्सत।